बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है और चौधरी अजीत सिंह जी के निर्देश पे मैं यहाँ आया हूँ। उनकी सहमति और उनका पूर्ण आशीर्वाद। मेरा बड़ा सौभाग्य कि आज नेताजी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी भी यहाँ उपस्थित थे, उनका भी मैं आशीर्वाद हम लोगों को मिला। और बहुत खुशी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता हूँ कि जो प्रभावी गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में पहले से काम कर रहा था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, जिसमें बड़ी पहल माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ली है, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए, समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए, नौजवान किसान और दलित वर्गों की अपेक्षाओं को देखते हुए, उम्मीदों को देखते हुए, उस पहल में राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल रहेगा। मैं कार्यकर्ताओं से उम्मीद रखता हूँ, चौधरी अजीत सिंह जी को पूर्ण विश्वास है कि सभी 80 की 80 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी दिल लगाकर इस गठजोड़ के चुने हुए उम्मीदवारों को जिताने के लिए मेहनत करेंगे। पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात है और 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह होगा, लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि चौधरी अजीत सिंह जी की उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि डट के खड़े होंगे हमारे कार्यकर्ता और पूरी 80 सीटों पर हमारा फोकस होगा। अभी तक की जितनी भी बातचीत आपसे हुई है, हर बातचीत में मैंने यही कहा है कि कांग्रेस हमारे साथ है, गठबंधन में साथ है। आदरणीय मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी, आज हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी भी साथ है। तो ये सवाल आपके मन में कहाँ से आ जाता है कि कांग्रेस पार्टी साथ नहीं है? मैंने कितनी बार कहा आपसे कि कांग्रेस पार्टी भी महागठबंधन में है, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं, वो चुनाव लड़ेंगे, उनके बारे में कौन सा दल कौन शामिल हो रहा है ये चर्चा का विषय है। लेकिन ये महागठबंधन है जो किसान, गरीब, मजदूर, नौजवानों को जो लगातार अन्याय हुआ है। बताओ, हमारा किसान खेत में चौकीदार बन के रह गया, रात भर नहीं जग रहा क्या? बताओ आप, रात भर अपनी फसल बचा रहा है और फिर कर्ज माफी के सपने दिखा करके कहां कर्ज माफ हुआ? कुछ पैसे दे देना चुनाव से पहले, वो भी खाते में पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं, ये तो वही है जो बोरी से काटा गया पैसा। और फिर समाजवादी पेंशन बंद कर दी गई, 500 रुपए समाजवादी लोग भी देते थे। मुझे खुशी है इस बात की कि आज नौजवान साथी जयंत चौधरी जी, आदरणीय अजीत सिंह जी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जितनी भी सीटें थी उत्तर प्रदेश की और हमारे और सहयोगी दल, सबका ये सबसे बड़ा महागठबंधन है। सभी दल साथ आए हैं और कई मौकों पर मैंने आपसे कहा है कि देश और प्रदेश में आज जो किसानों की हालात है, नौजवानों के सामने जो भविष्य का संकट है, व्यापारियों के सामने जो व्यापार बर्बाद हो गया है, जो आज हर वर्ग के लोग निराश हुए हैं, उन सबको नई दिशा में ले जाने के लिए, खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए ये सभी दलों का एक संगम हुआ है। ये जहां विचारों का संगम है, वहीं गरीब और जो कमजोर लोग हैं उनकी एक ताकत बनी है। और हमें उम्मीद है कि जब लोकसभा चुनाव की तारीख आ जाएंगी, देश को जहां नई सरकार मिलेगी, वहीं नए प्रधानमंत्री भी देश को मिलने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर आदरणीय अजीत सिंह जी का धन्यवाद देता हूं, जैन जी को बधाई देता हूं, आदरणीय मायावती जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि लगातार ये कोशिश हुई, प्रयास हुआ है कि सभी दल आकर के उत्तर प्रदेश में एक विकल्प के रूप में, एक गठबंधन जो बड़ा बना है, सभी को साथ लेकर चलने का काम हो रहा है। ये बांट दीजिए पहले।
ये हम भी बांट दे रहे हैं और सब इसमें है स्टेटमेंट में जी। नहीं बोल देंगे, पहले आपको बांट दें, आपस में थोड़ा बांट लीजिए, इधर भी पड़ी है, पीछे भी दे दीजिए। देखिए आपने सवाल पूछा कि कितनी सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल, उस सिंबल पे हमारा उम्मीदवार खड़ा होगा। मैंने वैसे कह दिया था कि पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात है और 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह होगा, लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं कि चौधरी अजीत सिंह जी की उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि डट के खड़े होंगे हमारे कार्यकर्ता और पूरी 80 सीटों पर हमारा फोकस होगा। धन्यवाद। देखिए अभी तक की जितनी भी बातचीत आपसे हुई है, हर बातचीत में मैंने यही कहा है कि कांग्रेस हमारे साथ है, गठबंधन में साथ है। आदरणीय मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी, आज हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी भी साथ है। तो ये सवाल आपके मन में कहां से आ जाता है कि कांग्रेस पार्टी साथ नहीं है? आप क्या बता रहे हो, कौन सी बात कह रहे हो? मैंने कितनी बार कहा आपसे कि कांग्रेस पार्टी भी महागठबंधन में है, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए उनके बारे में कौन सा दल कौन शामिल हो रहा है ये चर्चा का विषय है, लेकिन ये महागठबंधन है जो किसान, गरीब, मजदूर, नौजवानों को जो लगातार अन्याय हुआ है। बताओ हमारा किसान खेत में चौकीदार बन के रह गया, रात भर नहीं जग रहा क्या? बताओ आप, रात भर अपनी फसल बचा रहा है और फिर कर्ज माफी के सपने दिखा करके, कहां कर्ज माफ हुआ? कुछ पैसे दे देना चुनाव से पहले, वो भी खाते में पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं, ये तो वही है जो बोरी से काटा गया पैसा। और फिर समाजवादी पेंशन बंद कर दी गई, 500 रुपए समाजवादी लोग भी देते थे, अभी बकाया है गन्ने का, बताइए कितना बकाया है गन्ने का। इसलिए किसान को रास्ता दिखाना है, और पहले भी कहा कि कम से कम किसानों का, और हम सब लोग सहमत हैं, जयंत चौधरी जी भी सहमत हैं, गन्ने के इलाके से आते हैं, बताओ आज भी तकलीफ में है किसान, कितनी बार भरोसा दिलाया कि 14 दिन में दे देंगे भुगतान। इसे संपूर्ण अगर कर्ज माफ होगा तभी जाकर के हमारा किसान खुशहाल हो पाएगा, नई दिशा से एक बार फिर सोचना पड़ेगा किसान के बारे में। ये संगम है, ये कोटा वोटा नहीं है, कोटे की तो लड़ाई इसके बाद लड़ेंगे हम। ये सवाल आप बीजेपी से करिए जिन्होंने सबके साथ समझौते किए हैं और तोड़े हैं और आज भी नहीं निभा पा रहे। क्यों उनके सहयोगी दल इतने नाराज हैं उनसे? तो हमारी राह साफ है, मैंने कहा ये संगम पुराना है और ये आगे भी निभेगा, और हमें इनके साथ काम करने में जो आराम है और दिल से जो बात निकलती है वो और कहीं निकल नहीं सकती, तो स्वाभाविक है, दिल से जुड़ा है तो चलेगा ना। किस पर? नहीं वो तो कुछ ये लेते कि मैंने कहा विचारों का संगम है, जहां जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका ये जवाब है कि संविधान बचाना है
और संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को बचाने की लड़ाई भी आने वाले समय में लड़नी होगी।